हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #smiley। गाइस आज हम करेंगे कैपिटल गेन वाला चैप्टर। गाइस ये मुझे एक स्टूडेंट जिनका नाम रिंकू था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैम, उनसे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप कैपिटल गेन और पीजीपीपी पे भी अपनी जो टैक्स डीटी की वीडियोज़ लेके आओ। तो गाइस मैं आज फोर्थ चैप्टर जो हमारा फोर्थ यूनिट है जो हमारी कैपिटल गेन, मैं आज उस पर ये वीडियो लेके आई हूँ। ये चैप्टर मैं आपको पूरा करवाऊँगी। गाइस मैं आपको चैप्टर्स की सिर्फ थ्योरी थ्योरी करवाऊँगी, जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है वो क्या करना होंगे आपको खुद को करने पड़ेंगे। और गाइस हम थ्योरी इतनी अच्छे से करेंगे ना, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के डाल दूँगी जहाँ से आपको वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल #smiley को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गाइस वैसे तो मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ, और इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं टैक्स की, जो मैंने हाउस प्रॉपर्टी वाला भी चैप्टर है उसकी भी वीडियो बनाकर डाल दी है। तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको समरी बताती हूँ, बट इसकी समरी ना मैंने देखी, मेरे को लगा कि इसकी समरी से आपको ना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, पहले बताने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे आज ये चैप्टर पढ़ना पहले स्टार्ट करेंगे और समरी हम इसकी बाद में पढ़ेंगे चैप्टर हो जाने के बाद में। तो चलिए गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि हम कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, उसका परफॉर्मा दिया हुआ है। ये सब बताने से पहले मैं आपको ना इसकी टर्म्स बताऊंगी, इसके बाद हम ये परफॉर्मा है ये सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद से मैं आपको वो बताऊंगी, क्योंकि जब तक आपको बेसिक टर्म ही नहीं बताओगी कि कैपिटल गेन क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, तब तक आप उनको समझ नहीं पाओगे कैपिटल असेट्स क्या होती है, तब तक मुझे परफॉर्मा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको परफॉर्मा वगैरह बताऊंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें बताया हुआ है कि कैपिटल गेन, वी बिगिन आवर डिस्कशन, कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन के साथ और ट्रांसफ़र के साथ, कि ट्रांसफ़र क्या होता है और हमारी कैपिटल असेट्स क्या होती है। तो चलिए, वी विल प्रोसेस टू डिस्कस द वेरियस सर्कमस्टांसेस अंडर द कैपिटल गेन टैक्स लेवी द कैपिटल, देर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन विच आर नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, कि कुछ ट्रांसफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें हम कैपिटल गेन के लिए ना ऐसे ट्रांसफ़र नहीं मानते। These transactions have been discussed in this chapter. इस चैप्टर में हमें वो transactions के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इसमें हमें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में पता चलेगा, और हमें अलग अलग टाइप की मेथड के बारे में, अजम्पशंस के बारे में पता चलेगा, कैपिटल गेन के अंदर जो हमें अजम्पशंस दी गई है उनके बारे में पता चलेगा। तो जो सबसे पहले आता है सेक्शन 45, जो सेक्शन 45 होता है वो हमें बताता है कि कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी गेन हो जो अराइज हुआ है किसे ट्रांसफ़र करने से, किसको, कैपिटल असेट्स को, कि कोई भी जो प्रॉफिट है या गेन है जो हमें राइज हुआ है किसे ट्रांसफ़र करने से, किसको, कैपिटल गेन को ट्रांसफ़र करने से किसी प्रीवियस ईयर में, तो वो चार्जेबल होगा किसके लिए, इनकम टैक्स के लिए अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कि हमें प्रॉफिट होता है, गेन होता है असेट्स को ट्रांसफ़र करने से, असेट्स कौन सी होनी चाहिए, कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, कैपिटल असेट्स क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कोई भी जो असेट्स है वो कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, उसके ट्रांसफ़र से हमें कोई भी जो गेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो हमारा गेन है, जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम कहाँ चार्ज करते हैं, कैपिटल गेन हेड के अंदर चार्ज करते हैं। फिर आता है सच कैपिटल गेन विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, कि जो ये कैपिटल गेन होता है वो हमें किस ईयर में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। इन चार्जिंग सेक्शन टू टर्म आर इम्पोर्टेंट, इसमें दो टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट होती है, एक तो क्या होनी चाहिए, कैपिटल असेट्स होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो क्या कि वो एसेसी ने हेल्ड की हो, एसेसी कौन होता है, एक जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का उसे हम क्या बोलते हैं, एसेसी करते हैं, जिसकी हम क्या निकालते हैं, इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम क्या निकालते हैं, इनकम काउंट करते हैं, जिसकी इनकम का हम कैलकुलेशन करते हैं वो कौन होता है, एसेसी होता है। वेदर, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल असेट्स बोलेंगे। और भी हमें बताया हुआ है कि कोई भी सिक्योरिटी जो हेल्ड की हो, हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर विच इज़ इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंट विद सेबी रेगुलेशंस, कि चाहे कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करी हो तो वो क्या होगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा कैपिटल असेट्स में, जो कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आता है कैपिटल गेन में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर हमने क्या कर रखा हो, स्टॉक इन ट्रेड में अगर हमारे पास कुछ भी है
तो हम उसे क्या है कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे। जैसे कि एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया, हेल्प फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, कि हमारे पास जो कंज्यूमेबल स्टोर है, लूजेस टूल्स होते हैं हमारे, हमारे पास जो रॉ मटेरियल हो गया, जो हमारा स्टॉक हो गया, उसे हम कैपिटल असेट्स कभी भी नहीं मानते हैं। तो ये क्या बोल रहे थे, एक्सक्लूजन, स्टॉक इन ट्रेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट्स इज ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ सब सेक्शन क्लोज वन अबो नॉट क्लोज बी। तो ये क्या बोल रहा है कि जो कैपिटल असेट्स के अंदर क्या स्टॉक इन ट्रेड को नहीं इंक्लूड होती, दिस इंप्लाई दैट इवन इफ द नेचर ऑफ सच सिक्योरिटी इन हैंड ऑफ फॉरन पोर्टेबल इन्वेस्टर इन स्टॉक इन ट्रेड सेम वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट्स एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर वुड बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। तो ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि अगर जो कैपिटल असेट्स है वो क्या पड़ी है स्टॉक इन ट्रेड के अंदर क्या पड़ी है। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि जब जो स्टॉक इन ट्रेड है वो क्लोज सब जो सबसे इस जो ये हमारा सेक्शन है उसके क्लोज ए के लिए तो क्या होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, बट अगर क्लोज बी के अंदर वो स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम कैपिटल असेट्स ट्रेड करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि फर्दर द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ फिनांस नंबर 2 बिल 2014 क्लियरिफाइड दैट द ओनली इनकम राइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटी बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वुड बी द नेचर ऑफ कैपिटल गेन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस अदरवाइज इन इंडिया ऑफ द फंड मैनेजर मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ एसएससी। तो इसमें ये बोला हुआ है कि कोई भी इनकम राइज हो रही है जो ट्रांसफर करके सिक्योरिटी को और जो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टेड है एफपीआई है उसकी, तो वो क्या हो जाए उसमें जो भी ट्रांसफर से जो कैपिटल गेन होगा वो हम इस एक्ट के अंदर चार्ज करते हैं। उसके बाद आता है कि पर्सनल इफेक्ट, अगर पर्सनल इफेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ें हैं तो उसे हम क्या कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे। पर्सनल असेट्स कैसे कि जैसे कार हो गया हमारा, जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है उनको क्या हम कैपिटल असेट्स नहीं इंक्लूड करते हैं, कि जो पर्सनल इफेक्ट दैट से मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को से जो ट्रांसफ़र करने से हमें कभी भी कैपिटल गेन नहीं होता है, ठीक है। जैसे फर्नीचर हो गया हमारा, वार्निंग रेपिडील हो गया, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़, जो किसके लिए हो, पर्सनल यूज़ के लिए हो, लेकिन इनसे कुछ चीज़ों को हटाया गया, मतलब ये एक्सेप्शंस है कि इन चीज़ों को क्या है कैपिटल गेन में इंक्लूड किया जाएगा, कैपिटल असेट्स के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है और वर्क ऑफ आर्ट, इन सबको क्या है कैपिटल असेट्स माना जाता है। तो गाइज ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे एमसीक्यू में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एमसीक्यू उसका क्वेश्चन बताओ तो वो क्या हो जाए। अब देखो गाइज ज्वेलरी से क्या मतलब है, ज्वेलरी मतलब कोई भी गोल्ड का ऑर्नामेंट, ये मान लो कि आपके पास क्या है एक शर्ट है, ये क्या है एक शर्ट है और इसके अंदर क्या है हमने सोने के बटन लगाए हुए हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारी कैपिटल असेट्स हो जाएगी। ये ज्वेलरी का मतलब है कि कहीं पे भी चाहे किसी भी चीज़ में अगर हमने क्या गोल्ड का यूज़ किया हो तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी सोने की, गोल्ड का यूज़ किया है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी कैपिटल असेट्स हो जाएगी। जैसे देखिए सिल्वर, सॉरी ज्वेलरी इज़ अ कैपिटल असेट्स, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज इज चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन, की ज्वेलरी है वो पर्सनल यूज़ के लिए हो ना हो ये मैटर नहीं करती है, वो किसके लिए चार्जेबल हो जाएगी जो हमारी कैपिटल असेट्स के अंदर आ जाएगी और उनसे जो भी राइज होगा कैपिटल गेन वो कैपिटल गेन एड के अंदर चार्जेबल होगा। अब देखो ऑर्नामेंट मेड, जो हमने कुछ भी जो बनवाया चाहे वो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, प्लेटिनम का हो या फिर कोई प्रीसीस मेटल का हो या फिर कोई अलॉय का हो या मोर प्रीसीस मेटल वेदर और नॉट कंटेनिंग प्रीसीस सेमी प्रीसीस स्टोन वेदर, मतलब उसमें कुछ भी लगाओ वो क्या हो जाएगा हमारे लिए क्या हो जाएगा एक कैपिटल असेट्स बन जाएगी। कोई सेमी प्रीसीस स्टोन लगाओ इसमें वेदर और नोट सेट इन द फर्नीचर यूटेंसिल की, चाहे वो फर्नीचर में सेट हो या यूटेंसिल में हो या फिर चाहे वो शर्ट में टी शर्ट में कहीं पे भी हो, चाहे वो हमारे लिए क्या हो जाएगी कैपिटल असेट्स हो जाएगी। एक जो हमारी रूरल एग्रीकल्चर रेंड होती है उसे क्या नहीं मानते हम कैपिटल असेट्स नहीं मानते हैं, कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता है वैसे, और अगर और कोई लैंड है रूरल एग्रीकल्चर रेंड के अलावा तो उसे हम क्या मान लेंगे कैपिटल असेट्स मान लेंगे। तो देखिए इन इंडिया एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज़ नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाई एरिया, कि जो लैंड स्पेसिफाई एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होते उसे तो हम क्या मानते हैं कैपिटल असेट्स मानते हैं, और जो स्पेसिफाई एरिया के अंदर इंक्लूड होती है उन्हें हम क्या नहीं मानते जो हमारी कैपिटल असेट्स है वो नहीं मानते। तो एज पर डेफिनेशन ओनली रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ कैपिटल असेट्स, इसे क्या किया गया है एक्सक्लूड किया गया है। फिर क्या बोलता है कि जो बिलो गिवन सिचुएशन, ये हमें कुछ लिमिट्स दी गई है जो हमें बताएगी कि कौन सी कैपिटल असेट्स है और कौन सी कैपिटल असेट्स नहीं है।
तो देखते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है जो सिचुएटेड है इन एरिया विद इन द जुडिक्शन ऑफ म्यूनसिपलिटी कैन नॉट बी बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000। तो जिस ये देखो गाइज, मैं आपको ये लाइन नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको सिर्फ ये डायग्राम पढ़ा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे तो हमें लोकल लिमिट्स बताई हुई है कि कितने किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, डिस्टेंस बताई हुई है, और यहाँ पे हमें क्या बताई हुई है, पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है कि कितनी पॉपुलेशन। तो अब देखिए गाइज, अब हमें क्या बताया हुआ है कि जैसे कि हमारी कोई भी, ये मान लो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे इसे बढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर हमारी जो लैंड है 2 किलोमीटर और उससे कम में क्या हो सिचुएटेड है, और जहाँ की पॉपुलेशन क्या हो 10 लाख से, तो 10,000 से तो कम है, और 10,000 से तो ज़्यादा है, लेकिन क्या है 1 लाख से क्या है कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो हमारी अर्बन लैंड मानी जाएगी ना कि रूरल लैंड। यानी उसे हम कौन सी मानेंगे, जो हमारी कैपिटल एसेट्स मान लेंगे उसे हम। तो जैसे देखो ये है कोई हमारी जैसे लोकल लिमिट है, ठीक है, ये मान लो ये हमारा शहर है मुंबई, नहीं मुंबई नहीं लेते हैं, मुंबई नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं, चलो मुंबई ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे सोच करो मुंबई में सिर्फ है ना 11,000 लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी, वहाँ की एक लोकल लिमिट डिसाइड की हुई है कि अगर कोई लैंड इसके अंदर होगी तो तब तो उसे क्या माना जाएगा, कैपिटल असेट्स मानना ही माना जाएगा। अगर कोई लैंड यहाँ की इस लिमिट से 2 किलोमीटर अंदर के और रहती है ना, कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर रहती है, अंदर रहती है यानी 2 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ पे भी, यहाँ तक भी अगर कोई लैंड सिचुएटेड है तो भी उसे हम क्या मान लेंगे, कैपिटल असेट्स मान लेंगे। ये हमारा कौन सा हो गया, अर्बन एरिया हो गया। और अगर इससे बाहर यहाँ पे कोई भी लैंड सिचुएटेड है तो उसे हम क्या मान लेंगे, एक रूरल लैंड मान लेंगे, यानी उसे हम कैपिटल असेट्स ट्रीट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई 6 किलोमीटर या उससे अंदर रह रही है, जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख से कम है, तो वहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा, अंदर की इस लिमिट के अंदर, तो वो कौन सी हो जाएगी, कैपिटल असेट्स हो जाएगी, और यहाँ पर वो कैपिटल असेट्स नहीं होगी। और फिर देखते हैं कि अगर हमारे 8 किलोमीटर से भी तो कम या फिर उसके इक्वल है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 10 लाख और उससे ज़्यादा है, तो यहाँ तक तो वो कैपिटल असेट्स हो जाएगी, और यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, हमारी रूरल लैंड हो जाएगी। उसके बाद हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल में देखिए, जो हमारी लैंड है वो सिचुएटेड है 1 किलोमीटर के अंदर, यानी ये जो हमारा था, और यहाँ पे 10,000 पॉपुलेशन चाहिए थी हमें, और ये हमारा मुंबई था, ठीक है। तो 10,000 पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन तो कितनी है 9,000 है, और किलोमीटर कितना है 1 किलोमीटर, यानी यहाँ से इतनी 1 किलोमीटर है, यानी 10,000 या उससे कम थी, तो उससे कम, तो अब ये क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल असेट्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 10,000 लोग ही नहीं रह रहे, मतलब वो क्या है, एक गांव का एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। अगर यहाँ पे 10,000 लोग होते ना, और अगर 1 किलोमीटर में सिचुएटेड होता तो भी नहीं होता, अगर यहाँ पे मान लो 5 किलोमीटर होता और यहाँ पे 10-11,000 लोग होते और तो भी, तो वो हमारी क्या हो जाती, रूरल लैंड हो जाती। अब ये क्या है, हमारी कैपिटल असेट्स नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे 9,000 लोग रह रहे हैं, यानी 9,000 लोग यानी बहुत कम रह रहे हैं, एकदम गांव का इलाका है वो, तब उसे क्या मान रहे हैं हम, जो हमारी कैपिटल असेट्स नहीं मान कर चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही देखिए, जो 12,000 लोग है, जैसे ये हमने जो हमारा एग्जांपल लिया था कि ये जो क्या, ये है मुंबई, और यहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, 10,000 लोग सिचुएटेड हैं, तो अब इस लिमिट से क्या 1.5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे कितने 12,000 लोग रह रहे हैं, यानी कितने 10,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो ये कौन सा एरिया हो गया, अर्बन एरिया हो गया। यहाँ तक कि जो हमने पढ़ा था पीछे कि 2 किलोमीटर तक क्या होगा, अर्बन एरिया रहेगा, तो यहाँ पे 1.5 के अंदर क्या है, एक हमारी लैंड सिचुएटेड है, तो जिसे हम क्या मानेंगे, हमारी कैपिटल असेट्स मानकर चलेंगे। तो गाइस ऐसे ही यह सब आपको करके देखने हैं। उसके बाद आता है कि एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द कैपिटल गेन राइजिंग ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, कि अगर हमने क्या किया, जो हमारी कैपिटल असेट्स है, जो हमारी शहरी क्षेत्र की जो हमारी क्या लैंड है उसका अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें दिया है कि जो कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन नॉन रूरल एरिया विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर रेवेन्यू विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन, कि अगर चाहे है वो एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन वो कहाँ पे सिचुएटेड है, किसी शहर में सिचुएटेड है, तो वो हम उसे एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे, और उसकी जो इनकम होगी वो हाउस, जो हमारे कैपिटल गेन है उसमें क्या होगी, चार्ज होगी। उसके बाद देखो अदर वर्ड्स में भी हमें ईजिली एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि कैपिटल गेन जो राइज हुआ है ट्रांसफ़र करने पर अर्बन लैंड को, तो एग्रीकल्चर लैंड को उन्हें हम एग्रीकल्चर की इनकम नहीं मानेंगे, उसे हम कैपिटल गेन में ट्रांसफ़र करेंगे, उसे कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, जो हमारा 6.5% गोल्ड बॉन्ड है 1997, और 7% गोल्ड बॉन्ड है 1980, और जो हमारी नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड है 1980
इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हें भी हम क्या नहीं मानते, हमारी कैपिटल असेट्स नहीं मानते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल बेयरर बोर्न इन 1991, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है उसे भी हम क्या नहीं मानते, हमारी कैपिटल असेट्स नहीं मानते हैं। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है जो 1999 और गोल्ड मोनेस्ट्री स्कीम 2015 में, उन्हें भी हम क्या नहीं मानते हैं, हमारे कैपिटल असेट्स नहीं मानते हैं, इन्हें कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूड एनी राइट इन रिटेंशन ऑफ इंडियन कंपनी इंक्लूड राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अदर राइट वो सर कि प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि किसी के पास अगर किसी चीज़ की ओनरशिप है तो उसके पास राइट होता है उसे मैनेज करने का, उसे कंट्रोल करने का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हमें एक चार्ट दिया हुआ है गाइस, एक सेकंड रुको गाइस, अब हम देखते हैं इस चार्ट को। उसके बाद हमें एक चार्ट दिया हुआ है, तो ये चार्ट हमें क्या बताता है वो अब हम देखेंगे। तो देखिए गाइस, अब ये चार्ट हमें क्या बोलता है कि जो कैपिटल असेट्स के बारे में बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो एसएससी ने हेल्प की है, जो बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, अभी तक हमने जितना पढ़ा पीछे उसको हमें चार्ट से प्रेजेंट किया हुआ है, चाहे वो हमने क्या की हो, बिजनेस के लिए हेल्प करी हो या ना करी हो, वो क्या होगी, कैपिटल असेट्स होगी। कोई भी सिक्योरिटी है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट के थ्रू है तो उसे भी क्या मानेंगे, हम अपनी कैपिटल असेट्स मानेंगे। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। स्टॉक इन ट्रेड में जो हमारी है, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें क्या नहीं माना जाता, उन्हें कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा, उन्हें क्या नहीं माना जाएगा, कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा। फिर क्या आता है, जो हमारे पर्सनल इफेक्ट के अंदर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे फर्नीचर हो गया, वेयरिंग अपेरल्स हो गया, उन्हें क्या नहीं मानेंगे हम हमारी एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे, सॉरी उन्हें भी हम हमारी कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी हम कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे। ये गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनको भी हम नहीं मानेंगे और इनको भी हम नहीं मानेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्लूजन फॉर पर्सनल इफेक्ट, यानी इसके जो पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन सबको हम क्या मानेंगे, इन सबको हम क्या मानते हैं, कैपिटल असेट्स मानते हैं। जैसे ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, तो इन सबको हम क्या मानते हैं, हमारी कैपिटल असेट्स मानते हैं। तो उसके बाद गाइज अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, की शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कौन सी होती है और हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कौन सी होती है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, ये बोलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल और डेफिनेशन हमें बताई हुई है, तो इसमें क्या बोला है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स मीन आ कैपिटल असेट्स हेल्ड बाय एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। कि मान लो कि मेरे पास, तो ये मान लो कि मैंने 2015 में क्या की थी, एक मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक कैपिटल असेट्स खरीदी थी, ठीक है, उसको मैंने 2017 में क्या कर दिया, सेल कर दिया, यानी मेरे को अभी कितने महीने हुए थे, सिर्फ 24 मंथ ही हुए थे और उतने में उसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन हमारी जो कंडीशन क्या कहती है कि नॉट मोर देन 36 मंथ, यानी अगर किसी ने 36 महीने से ज़्यादा अपने पास अगर वो प्रॉपर्टी नहीं रखी है तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स होगी, क्योंकि मैंने इसे 24 मंथ तक ही अपने पास रखा और उसके बाद इसे क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म होगी। और जो लॉन्ग टर्म असेट्स होती है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कहते हैं। उसके बाद आता है जो 36 मंथ से ज़्यादा रखते हैं उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। इसके कुछ एक्सेप्शंस हमें दिए हुए हैं कि एक सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और ए यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और एक यूनिट ऑफ ट्रस्टी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड विल बी हाउ एवर कंसिडर आर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स इज सेइंग विल बी हेल्ड मोर देन 12 मंथ। तो गाइज ये जो हमारे पास ये जो हमारी जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर ये 12 मंथ से हम ज़्यादा रखते हैं तो ये कौन से कंसिडर किए जाएंगे, इन्हें हम लॉन्ग टर्म असेट्स कंसिडर करेंगे। ये क्या है, एक एक्सेप्शंस हमें दिया हुआ है। उसके बाद गाइज ये सारे ना मैं आपको एक डायग्राम दिया हुआ है आगे उसके थ्रू बताऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप इसे ना, आप यहाँ से ना पढ़ना चाहो ना तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो, आप सिर्फ वहीं से पढ़ लेना। उसके बाद आता है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है। ए फंड सेटअप अंडर अ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर कोई भी जो फंड सेटअप किया होता है उसके अंदर क्या होता है कि मिनिमम 90% ऑफ टोटल प्रोसीड ऑफ सच फंड इन्वेस्टेड इन यूनिट ऑफ सच अदर फंड और ऑल्सो इन्वेस्टेड इन मिनिमम 90% ऑफ यू टोटल प्रोसीडिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक। गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इक्विटी फंड क्या होता है, ये होता है, ये आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है। बस इसमें ये थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि कोई भी अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है,
लिस्टेड है, उसका जो 90% जो प्रोसीड अमाउंट है वो क्या कि इन्वेस्ट की गई है इस टाइप की सच यूनिट्स में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ध्यान आप ना दो तो भी सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इन अदर केस में ये मिनिमम 65% बताई हुई है, ये आप पढ़ लेना, वैसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है, एक बॉन्ड जो इशू बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी और इस शेड्यूल्ड बैंक, मतलब गाइस ये ना इनके बारे में बताया हुआ है कि बस ये आपको लाइनिंग पढ़नी पड़ेगी, इनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद देखो जो मैंने डायग्राम के लिए बोल रही थी वो मैं, ये रहा डायग्राम, आप इसे देख लेना, आपको पूरा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी जो हमारे पास ये सिक्योरिटीज़ है, जीरो कूपन बॉन्ड है, जो ये यूटीआई की सिक्योरिटीज़ है, अगर ये हमारे पास 12 मंथ से कम रहती है तब तो हम इसे क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स मानेंगे, अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा रहती है तो हम इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मानेंगे। गाइज वो आप दोनों पेज को कट कर सकते हो और आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हो, ये बहुत आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद आती है कि एसटीएसी, अगर हमारी जो जो अनलिस्टेड शेयर्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो क्या हो 24 मंथ से क्या हो कम हेल्ड किए गए हो, तब तो उन्हें हम शॉर्ट टर्म मानेंगे वरना लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और जो ये हमारे डेप्ट ओरिएंटेड यूनिट है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है और अदर कैपिटल असेट्स है, अगर उन्हें 36 मंथ से कम रखा गया हो तब तो हम उन्हें शॉर्ट टर्म मानेंगे वरना हम उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। गाइज जितना भी हो सके ना एक बार आप अगर इन पूरी लाइनिंग से पढ़ लो, उसके बाद जहाँ पर भी आपको किसी भी चीज़ की समराइज दिखती है तो डायग्राम के अंदर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप वो ही उसे सेकेंड टाइम जब आप पढ़ो ना तो आप उसी से पढ़ो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि हमने पीछे वो ये वाला हमने चार्ट किया था, तो आप इस जो पूरा हमने पीछे पढ़ा उसकी ये समरी ये चार्ट दिया हुआ है, तो आप इस चार्ट को ही पढ़ो ना, आप उतने जो 8-10 पेज हैं उसको पढ़ के क्या करोगे, आप अगर ये चार्ट पढ़ लेते तो आपका पीछे का पूरा कवर हो जाता है। बस आपको एक बार ये पूरा अच्छे से लाइनिंग से पढ़ना है, उसके बाद आप चार्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हो, इसे पढ़ सकते हो, ये आपके लिए क्या रहेंगे, ईजी रहेंगे। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड, की होल्डिंग पीरियड हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड एनी कैपिटल बाय द असिन सर्कमस्टांसिस इन द कॉलम 1 द पीरियड शैल बी डिटरमाइन बाय द कंसीडरिंग एंड पीरियड स्पेसिफाइड कॉलम 2, कि एक तो हमने जिस दिन परचेज किया और एक दिन जिस दिन हमने सेल किया, वहाँ से लेकर वहाँ तक का पीरियड हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी कॉलम 1 से कॉलम 2 तक। उसके बाद हम देखते हैं ये कॉलम 1 और कॉलम 2 में बताया भी हुआ है कि हम जो अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ के लिए कैसे कैसे हम क्या करेंगे, उनकी जो डे है वो डिसाइड करेंगे। तो देखिए गाइस कि अगर शेयर हेल्ड किए हुए हैं इन कंपनी लिक्विडेशन, अगर कंपनी ने क्या हमने कोई शेयर हेल्ड किए हुए हैं जो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे, तो द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सा होगा, यहाँ पे क्या बताया कि सरकमस्टांसेस, अगर हमने शेयर कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे हेल्ड किए गए हैं तो इसमें जो भी जो लिक्विडेशन की डेट वाली कंपनी थी, जो लिक्विडेशन वाला पीरियड था, उसे क्या करेंगे, हम उससे एक्सक्लूड करेंगे, कि कंपनी का जितने दिनों में लिक्विडेट हुआ था जो पीरियड होता है हम उसे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। फिर आता है कि असेट्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 49 सब सेक्शन 1, तो पीरियड फॉर विच द कैपिटल असेट्स वाज हेल्ड बाय प्रीवियस ओनर बी इंक्लूडेड। कि अगर क्या, अगर हमें सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी आई है तो उसके अंदर हम प्रीवियस ओनर के जो होल्डिंग टाइम था उसे भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे क्या हुआ कि मेरे दादाजी ने मेरे पापा को क्या कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, तो उनका जो मेरे दादाजी का जो होल्डिंग पीरियड था वो भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा मेरे पापा के होल्डिंग पीरियड में। तो बस यही बताया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद वेयर द इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड इंटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल असेट्स बाय एसएससी, कि अगर कोई हमारी जो इन्वेंट्री थी उस बिजनेस की, उसने हमें क्या उस उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल असेट्स में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट, तो जहाँ पे हमने, तो ये देखो कि जहाँ पे हमने क्या किया, उस स्टॉक को कन्वर्ट किया था किसमें, कैपिटल असेट्स में, तो वहाँ से आगे वाला टाइम क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा किसके अंदर, कैपिटल उस असेट्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे हमारा क्या था, स्टॉक था और उसको मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ जो हमारा स्टॉक यहाँ पे था और उसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो यहाँ से लेकर जो आगे वाला टाइम है ये क्या होगा, कैपिटल असेट्स के अंदर इंक्लूड होगा, ये वाला टाइम कैपिटल असेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कोई कंपनी है जो क्या होगी
माल कमिटेड हो गया, कोई कंपनी है वो क्या होगी, एक साथ मिल गई है और एक नई कंपनी बना ली है। तो जो अमालगमेटिंग कंपनी है, जो हमारी नई कंपनी है, तो उसके अंदर जो हमारी कैपिटल असेट्स होगी ना, उसे हम पहले वाले टाइम से क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। जैसे मान लो ये हमारी कंपनी यहाँ पे है और यहाँ पे हमारी कंपनी क्या हुई है, अमालगमेटिंग कंपनी यानी दूसरी कंपनी के साथ मिली है, तो यहाँ और यहाँ पे जो हमारी कैपिटल असेट्स है हमारे पास पड़ी है, हमारे पास चलती जा रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरा टाइम किस में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल असेट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये पहले वाला टाइम भी क्या होगा, हमारी कैपिटल असेट्स के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमने क्या किया कि शेयर और एनी अदर सिक्योरिटी सब्सक्राइब बाय द एसेसी ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू सब्सक्राइब एनी शेयर और सिक्योरिटी बाय द पर्सन इन हुज फेवर सच राइट इज रिनाउंस बाय द एसेसी। कि पहले क्या थी कि कोई शेयर था जो क्या था एसेसी के पास था यहाँ पे, और उसके बाद उसने अपना राइट क्या कर दिया, ये रिनाउंस कर दिया यानी यहाँ पे और किसी को दे दिया। तो अब देखते हैं इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट शैल बी सच शेयर और सिक्योरिटी शैल बी दी नोट, यानी जहाँ पे हमने क्या किया, ये रिनाउंस किया था, उसके बाद का टाइम ही क्या होगा, इंक्लूड होगा, उससे पहले का टाइम इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि राइट टू सब्सक्राइब एनी शेयर और सिक्योरिटी इज रिनाउंस इन फेवर ऑफ अ पर्सन। देखो ऊपर वाले में तो क्या किया था, उस एसएससी ने खुद ने सब्सक्राइब किया था पहले और फिर रिनाउंस किया था, यहाँ पे उसने सब्सक्राइब करने का राइट रिनाउंस किया है। तो जहाँ पे उसे कंपनी ने क्या किया था, ऑफर किया था रिनाउंस कर सब्सक्राइब करने का, तो वहाँ से उसे क्या हो गया, पूरा काउंट किया जाएगा। जैसे पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ सच राइट मे बी कंपनी और इंस्टीट्यूशन शैल बी रिनोक्ट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ऑफर की डेट से क्या होगा, ये काउंट होगा। उसके बाद आता है कि जो वेयर एनी फाइनेंशियल असेट्स इज अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट एंड बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी फाइन, कि कोई फाइनेंशियल असेट्स है जो हमने क्या किया हो, विदाउट अलॉट कर दियो किसी पेमेंट के बिना, तो इसमें कौन सा पीरियड होगा, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके जो हमारा पीरियड है उसे क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, उससे पहले वाला पीरियड हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है उसमें आता है कि कोई कंपनी क्या हुई है, डीमर्ज हुई है यानी अलग अलग हो गई है। तो मान लो कि यहाँ पे जो हमारी कंपनियाँ थी वो क्या हुई थी, डीमर्ज हुई थी, और यहाँ पे हमारी जो कंपनियाँ थी वो साथ थी, तो डीमर्ज होने के बाद में जो हमारा ये वाला पीरियड है इसे भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। ये देखो पीरियड फ्रॉम द शेयर वर जहाँ से क्या हुई है, हमारी कंपनियाँ डीमर्ज हुई है यानी यहाँ पे जो ये वाला टाइम था जो कंपनियाँ साथ रही थी हमारी उसे भी क्या करेंगे, उस टाइम को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ये टाइम भी क्या होगा, हमारा इंक्लूड होगा। ठीक है गाइज, अगर गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल #smiley को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, अभी तो कर दो सब्सक्राइब। चलो अब देखते हैं, वेयर द यूनिट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑफ यूनिट इन कंसो, अगर हमने क्या किया, कंसोलिडेटेड की जो स्कीम थी उसके अंदर क्या कर दिया, हमारे जो ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये देखो यहाँ पे तो क्या थी, हमारे पास सिंगल था, जो हमारा शेयर था वो हमारे पास ही पड़ा था, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसे कंसोलिडेशन की स्कीम के अंदर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो ये वाला पीरियड है वो भी क्या होगा, यहाँ पे काउंट होगा। ये देख लो जाए कि जो पीरियड फ्रॉम विच यूनिट इन दिस कंसोलिडेट स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड वर हेल्ड बाई एसएससी शैल बी इंक्लूडेड, कि ये पीरियड क्या होगा, इंक्लूड होगा। उसके बाद आता है कि इक्विटी शेयर है उसको क्या कर दिया, हमने प्रिफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमारे पास यहाँ पे इक्विटी शेयर थे और यहाँ पे जाके हमने उसको किस में, प्रिफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ये वाला टाइम है, ये वाला भी क्या होगा, प्रिफरेंस, तो ये वाला जो टाइम है वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। सॉरी गाइज, मैंने आपको उल्टा बता दिया, हम प्रिफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, हमारा ये वाला था हमारा जो प्रिफरेंस शेयर था और यहाँ पे हमने इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो जो ये वाला टाइम था ये भी इक्विटी शेयर के अंदर काउंट किया जाएगा, जब हम 24 मंथ वाला 36 मंथ वाला जो काउंटिंग करेंगे ना उसमें ये वाला पीरियड भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। उसके बाद आता है यूनिट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी इन कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑफ यूनिट, अगर हमने क्या किया, कंसोलिडेशन प्लान में कोई भी जो हमने इंक्लूड किया है हमारी सिक्योरिटी उसको, तो उससे इस प्लान में इंक्लूड करने से पहले भी, पहले वाला टाइम क्या होगा, जो वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। ये देखो जो पीरियड फॉर विच यूनिट इज द कंसोलिडेटेड प्लान ऑन हेल्ड बाय द एसोसिएशन शैल बी इंक्लूडेड, कि इस जो स्कीम में, जो इस प्लान में क्या है, जब शेयर इशू करने से पहले ही एसोसिएशन ने अपने पास जो शेयर हेल्ड किए हुए थे उसका टाइम पीरियड है वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। उसके बाद आता है कि अगर हमने क्या किए, स्वेट इक्विटी शेयर क्या किए, अलॉट किए हैं और उन्हें क्या कर दिया, ट्रांसफ़र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर को हमने क्या किया, उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र किया है, तो कौन सा पीरियड इंक्लूड होगा, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से आगे वाला क्या होगा, पीरियड इंक्लूड हो जाएगा। अब देखते हैं स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, तो स्वेट इक्विटी शेयर मीन इक्विटी शेयर
जो कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉय को, अपने डायरेक्टर को डिस्काउंट पे फॉर कंसिड्रेशन अदर देन कैश, नो हाउ फॉर मेकिंग अवेलेबल राइट्स, यानी इक्विटी शेयर वो होते हैं जो एक इक्विटी शेयर की तरह ही होते हैं, जिन्हें कंपनी ट्रांसफर कर सॉरी जिन्हें कंपनी अलॉट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर को, जिन्होंने क्या किया हो, अच्छा काम किया हो, अच्छी टेक्नोलॉजी से हमें क्या करवाया हो, इम्प्रूव करवाया हो, हमें रूबरू करवाया हो और अच्छे राइट्स के बारे में हमें बताया हो, तो उनको क्या देती है डिस्काउंट पे, जो हमारी कंपनी है वो एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को क्या देती है, शेयर देती है, जिसे हम स्वीट इक्विटी शेयर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कैपिटल असेट्स, की कैपिटल असेट्स के अलावा अदर असेट्स में क्या होगा। द पीरियड फॉर विच द एनी कैपिटल असेट्स इज सेल्स बाय असेसी शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग विद द रूल ऑफ CBDIT, कि जो हमारी उसके अलावा जो भी हम जो जो भी हमारी कैपिटल असेट्स है उनका रूल हम इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टाइम डिसाइड करेंगे। जैसे हमें ये कुछ पीछे ये देखो ये हमें 12 आइटम्स दिए हुए थे, अगर इनके अलावा भी कोई भी और जो हमारी असेट्स है उसका टाइम है जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद आता है कि ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र, टू सब सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 हमें ये बताता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कोई भी सेल करना, या फिर हमने किसी के साथ एक्सचेंज किया हो, या फिर रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट्स किया हो, या एक्सचेंजमेंट ऑफ राइट किया हो, कि राइट को कुछ हमने ट्रांसफ़र किया हो, या उसको कुछ रिंक, या फिर हम क्या हो कंपलसरी एक्वाइजेशन हो, जैसे हमारी लैंड को क्या कर लिया जो कोर्ट ने था वो क्या कर लिया, कंपलसरी जो हमारी म्यूनसिपलिटी है उन्होंने कंपलसरी एक्वाइज कर लिया, कि जैसे ये मान लो वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन बनने वाला था तो हमारी जो ट्रेन जो हमारा जो वहाँ पे जो हमारी असेट्स थी उसको क्या किया, एक्वाइज कर लिया। या फिर कोई ओनर ऑफ द कैपिटल असेट्स में भी कन्वर्ट, अगर हमारी कैपिटल असेट्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसे क्या माना जाएगा, ट्रांसफ़र माना जाएगा। अगर मेजोरिटी या रिडम्शन आ गया और 0 कूपन बॉन्ड का, तो उसे भी हम ट्रांसफ़र मानेंगे कि हमने क्या कर दिया, रिडीम कर दिया हमने। या फिर कोई पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री सम टाइम पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज गिवन इन कंसिडरेशन परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कुछ भी ऐसा कोई भी हमने परफॉर्म किया, जैसे क्या हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कहीं और, तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, उसे हम किसके डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। ये सब कुछ क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र कहलाएगा। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें कि ए एंटर इंटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हिज हाउस, की हाउस बेचने के लिए क्या जो सॉरी एग्रीमेंट के अंदर आया वो, द परचेजर गेव द एंटायर सेल कंसिडरेशन टू ए, उसने पूरा कंसिडरेशन दे दिया और ए ने अपना कंप्लीट राइट ऑफ पोजेशन टू परचेजर को दे दिया, सिंस ही रियलाइज द एंटायर सेल कंसिडरेशन, कि उसे ए ने क्या किया, पैसे लिए ए ने पूरे पूरे मान लो 10 लाख रुपए का वो हाउस बेचा था, ए ने हाउस सारे के सारे पैसे ले लिए, किससे, बी से, सारे के सारे पैसे ले लिए और ए ने उसे क्या दे दिया, हाउस दे दिया, ए ने क्या दे दिया उसे, हाउस दे दिया। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट द अबो ट्रांजेक्शन इज कंसिडर एज ट्रांसफर, तो इसे हम क्या मानेंगे, इस पूरे जो हमारा जो एग्जाम्पल है ये क्या एक ट्रांसफ़र की हमें प्रोसेस समझा रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या आता है, उसके बाद आता है लास्टली देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर इफेक्ट द ट्रांसफरिंग अनेबल द इन्जॉयमेंट ऑफ इम्यूबल प्रॉपर्टी, कि कुछ ऐसे होते हैं जो कहाँ पे होते हैं हमें उनसे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन फिर भी हम उन्हें क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, ट्रांसफ़र मानेंगे। जैसे देखो एक पर्सन था, उसने एक मेंबर था किसका, कॉरपोरेटिव सोसाइटी का, तो उसने क्या किया, कंपनी और अदर एसोसिएशन पर्सन है, बिल्डिंग हाउस फ्लैट है, ठीक है, तो व्हेन ही पे एन एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ सोसाइटी हैंडेड ओवर द पोजीशन ऑफ हिज हाउस टू द पर्सन कंसर्न, तो उसने क्या किया कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी में अपना हाउस क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया बिना किसी अमाउंट के, बिना किसी चार्जेस के, नो कन्वीनियंस इज रजिस्ट्रेशन, कि उसने अब उसके नाम पर क्या नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स अबो ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफ़र। सो तो देखिए गाइस इसमें क्या बताया कि जो सॉरी गाइस मैंने आपको पहले थोड़ा गलत बता दिया था, अब देखते हैं कि जो हमारी ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर एक मेंबर है, उसका एक मेंबर है, तो उस मेंबर ने क्या किया, इससे जो एग्रीड अमाउंट थी वो चार्ज की और अपनी पूरी प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफ़र कर दी, जो अपना हाउस था वो जो हमारी कॉरपोरेट सोसाइटी थी उसे दे दिया, उस लेकिन उसने क्या किया, कॉरपोरेट सोसाइटी के नेम पर वो रजिस्टर्ड नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, ट्रांसफ़र कंसिडर करेंगे। उसके बाद गाइस हमें एग्जांपल दिया हुआ है जो मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। तो इसमें बताया हुआ है कि हाउ विल यू विल कैलकुलेट पीरियड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो शेयर हेल्ड इन लिक्विडेशन कंपनी, बोनस शेयर और कॉर्पोरेट सोसाइटी वाला, तो गाइस ये आपको पढ़ने हैं, जो हमने पीछे 12 पॉइंट पढ़े थे ना उन्हीं पर बेस्ड ये सारा का सारा
है तो ये आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, तो ये आपको करना है। उसके बाद देखते हैं स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, कि हम कौन से ईयर में से चार्ज करेंगे। तो ये बोल रहा है कि कोई भी जो प्रॉफिट है वो गेन है, राइज होता है कैपिटल असेट्स को क्या करने पे, ट्रांसफ़र करने में, तो वो कौन से प्रीवियस ईयर के अंदर होना चाहिए। इनकम टैक्स अंडर सेल एट द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफ़र टुक प्लेस, कि जैसे ये मान लो कि हम हमारे पास क्या हुआ, 17-18 में मैंने कोई भी क्या की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, ठीक है, सॉरी 17-18 में मैंने क्या की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन मैं किस में करूँगी, 18-19 में ही, तो मैं टैक्स की क्या करूँगी, उसकी कैलकुलेशन करूँगी। तो ये बोल रहा है कि जो ट्रांसफ़र था वो क्या हो जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर में हो जाना चाहिए। फिर आता है ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी कौन सा होगा, कि यानी हम चार्ज कहाँ पे करेंगे, 18-19 में से चार्ज करेंगे, तो कैपिटल गेन आर चार्जेबल एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सेल और ट्रांसफर टेक प्लेस, इन द अदर वर्ड फॉर डिटर्मिनेशन द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी द रिलीवेंट डेट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारी रिलीवेंट डेट ऑफ ट्रांसफ़र है वो क्या एग्रीमेंट की डेट, ये देखो कि कैपिटल गेन जो हम चार्जल जो क्या हो प्रीवियस ईयर में हम उसकी इनकम क्या हो रिसीव हो चुकी हो, जिसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया हो, हमारे जो हमारा असेट्स है उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया और हमें क्या मिला हो, कैपिटल गेन मिला हो। तो इसमें क्या बोला हुआ है, इन द अदर वर्ड, तो इसमें मैं एक इजी तरीके से समझाया हुआ है कि फॉर द डिटर्मिनेशन द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी एंड द रिलीवेंट डेट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ नॉट द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बट द एक्चुअल डेट ऑफ सेल द डेट ऑन विच इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र टू द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी एज कम्प्लीट पार्टीज हैज टेक प्लेस। देखो इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि जब हमारी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़री के पास चली जाएगी, जिस डेट को जाएगी उस डेट को हम क्या मानेंगे, ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र वाली डेट मानेंगे, उससे पहले वाली डेट को हम ट्रांसफ़र वाली डेट नहीं मानेंगे। फिर उसका बात आता है कि हाउ एवर ऑलरेडी नोटेड इनकम टैक्स एक्ट हैज़ रिकॉग्नाइज सर्टेन ट्रांजेक्शन एज ट्रांसफ़र इन स्पीट ऑफ फैक्ट दैट कन्वीनियंस डीड माइट हैड नॉट बीन एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर्ड। तो इसमें ये बोल रहा हुआ है कि इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए हम रिकॉग्नाइज करेंगे हर ट्रांजेक्शन को, उसके बाद हम फैक्ट देखेंगे, उसकी कन्वीनियंस देखेंगे, हम डिड देखेंगे कि जो जो एग्रीमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ, और रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ। पावर ऑफ अटर्नी ऑफ सेल एज एक्सप्लेन अबो एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी ट्रांजेक्शन एक्वाइजिशन ऑफ हाउ एग्जाम्पल ऑफ रिगार्डिंग दिस, कि ऐसे नहीं है कि देखो कॉर्पोरेट उसने क्या किया था, उस पर्सन ने, कि ये ए था उसका हाउस था, उसने क्या कर दिया इसे कॉरपोरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफ़र कर दिया, और इससे पैसे थे उसने क्या ले लिए, वो उसने 10 लाख रुपए मान लो रुपए ले लिए थे, और उसने क्या दे दिया था कॉरपोरेटिव सोसाइटी को, अपना हाउस दे दिया था, लेकिन ये हाउस उसने क्या कॉरपोरेटिव सोसाइटी के नाम नहीं किया था। तो ये हम देखेंगे कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये सब हमें देखना जरूरी होता है इनकम टैक्स पर्पज के लिए। ऐसे तो कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है टैक्स बचाने के लिए, इसलिए ये हमें देखना पड़ता है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस रिसिप्ट, कि अगर हमारी इंश्योरेंस क्या हुआ रिसीव हुआ तो हम उसे कब ट्रांसफ़र मानेंगे, और कब हमें जो इंश्योरेंस रिसीव होगा उसका वो हम कैपिटल गेन के अंदर चार्ज करेंगे। तो ये बारे में हमें बताया हुआ है कि जब हमारी कोई भी असेट्स है हमें क्या मिलता है, किसी असेट्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी से कोई मन नहीं मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें या तो हमारी जो हमने इंश्योरेंस कराया हुआ था, मान लो मैंने 10 लाख की लैंड का अपना इंश्योरेंस करवाया था, तो अगर ये इंश्योरेंस मेरी डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है फ्लोड से, कोई यूएन से यानी भूकंप भूचाल, कोई बाढ़ भूकंप आदि से, या फिर किसी भी कोई एक्सीडेंट से, फायर एक्सीडेंट से, या फिर कोई एनिमी के अटैक से, तो वो जो मेरी असेट्स है जो ख़राब हो जाती है, मतलब तबाह हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे रुपए दिए हैं या फिर जो कोई असेट्स दिए हैं उसे क्या माना जाएगा, हम उसे ट्रांसफ़र मानेंगे, और जो उससे हमारा जो कैपिटल गेन राइज होगा वो क्या होगा, चार्जेबल होगा। तो जैसे देखते हैं कि कोई भी प्रॉफिट राइज हुआ है मेन रिसिप्ट ऑफ सच मनी और अदर असेट्स शैल बी चार्जेबल अंदर इनकम टैक्स कैपिटल गेन। तो ऐसे मान लो कि मेरे पास कोई असेट्स थी जो कि थी 10 लाख रुपए की, जो क्या होगी डिस्ट्रॉय, मैंने ये असेट्स थी जो 10 लाख रुपए की खरीदी थी, और ये क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आज जो आज ये 10 लाख रुपये की असेट्स है इसकी कीमत कितनी है, 30 लाख रुपये है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी से मेरा बीमा करवाया था और इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो मुझे कितने 28 लाख रुपये दिए, तो मुझे नेट कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ, 28 लाख रुपए, और मैंने इसे परचेज कब किया था, 10 लाख में परचेज किया था। ये मान लो ये एक हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है, तो ये मान लो 10 लाख रुपए, तो 18 लाख का मेरा क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया, जो कि मुझे क्या मिलेगा,
जो कि क्या होगा, कैपिटल गेन ऐड के अंदर टैक्स पर्पज के लिए चार्जेबल होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट आपको बताऊंगी ना कि कैपिटल गेन निकालने का परफॉर्मा, तब आपको ये चीज़ वहाँ पे बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगी। एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच पर्सन प्रीवियस ईयर की, ये क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ पे आता है कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन हम क्या लें, जहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल में ये 28 लाख दिया था, ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन था हमारा कि हमें जो बीमा कंपनी ने 28 लाख इसे हमने फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान के क्या किया था, चार्ज किया था। तो अब आता है कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में तो ले लिया था कि ठीक है हमें पता है, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे। तो इन ऑर्डर टू कंप्यूट द कैपिटल गेन द वैल्यू ऑफ एनी मनी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट शैल बी डीम्ड टू द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अकरिंग एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। तो इसमें ये देखो, इसने फुल वैल्यू कंसिडरेशन का मतलब बताया है कि देखो हमारी असेट्स की मार्केट वैल्यू इस एग्जाम्पल में कितनी थी, 30 लाख थी, और हमें रिसीव 20 लाख हुआ था। तो इन दोनों में जो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसे हम क्या मानेंगे, हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे। यानी 30 लाख को हम क्या मानेंगे, हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे। ये इस एग्जाम्पल में ये बता रहा है। उसके बाद आता है कि कन्वर्जन, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल असेट्स एज स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर कोई पर्सन है, कोई ओनर है कैपिटल असेट्स का, उसने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया अपने जो स्टॉक था उसे, जो अपनी असेट्स थी उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, ट्रांसफ़र कंसिडर करेंगे। फिर आता है कि अगर क्या होता है कि द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द अबव कन्वर्जन ट्रीटमेंट विल बी इनकम, क्या होगी ये टैक्सेबल हो जाएगी किसके अंदर, कैपिटल गेन के अंदर, और इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच स्टॉक आर श्योर्ड और अदरवाइज ट्रांसफर बाय हिम। तो ये मान लो कि जैसे ये हमारी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल असेट्स थे और यहाँ पे मैंने इसे स्टॉक में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो जो भी यहाँ पे क्या है कैपिटल गेन अराइज होगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पे मेरी कैपिटल असेट्स थी, ठीक है, 10 लाख रुपये की, कितने की थी, 10 लाख रुपये की थी, ये थी 2016 में थी, और मैंने 2019 में इसे क्या कर लिया, कैपिटल गेन जो हमारे स्टॉक में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो है मेरी शर्त, अब मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू लूँ मैं इसकी, कि मैं कैपिटल गेन निकाल सकूँ, यानी मैं कंसिड्रेशन क्या लूँ। तो ये कंसिड्रेशन हमें बताया हुआ है कि कंसिड्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द कैपिटल गेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, कि जो मेरी इस डेट को यानी 2019 में इस 10 लाख रुपए के असेट्स की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसे मैं क्या मान लूंगी, मेरा कंसिडरेशन मान लूंगी, कि अगर मैं इस असेट्स को बेचती ना तो भी मुझे इतने रुपये क्या हुए, रिसीव हुए हैं। तो जैसे ये मान लो कि इस असेट्स को आज 19 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 लाख रुपए होगी, तो हमारे पास 5 लाख का क्या आ गया, कैपिटल गेन आ गया, ठीक है। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्स पर्पस के लिए चार्जेबल हो जाएगा। उसके बाद हम एक चार्ट के थ्रू इसे समझाया हुआ है। उसके बाद देखो इस चार्ट में हमें क्या दिया, इस चार्ट में हमें बताया हुआ है कि जो इसमें देखो सबसे पहले हमें बताया हुआ है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर हमें क्या होता है कैपिटल गेन होता है, तो क्या होगा एफएमपी यानी फेयर मार्केट वैल्यू फ्रॉम द कन्वर्जन वाली डेट को, और उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है इंप्रूवमेंट है वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। गाइस अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी, जो फॉर्मेट है वो बताऊंगी, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। फिर आता है अगर हमें कैपिटल गेन हुआ तो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू में से हमने क्या कर दिया, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हटा दी, यानी हमने 10 जैसे हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 15 लाख रुपये थी, और कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन यानी हमने 10 लाख रुपये में से खरीदा था, तो हमारा कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। फिर ये तो किसके लिए था, शॉर्ट टर्म के लिए। मान लो अगर हमारा क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो हमें क्या मिलता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। कि ये मान लो जैसे हम निकालते थे कि जैसे मैंने इस जो मशीन थी, जैसे मान लो मैंने अपनी कैपिटल असेट्स को क्या खरीदा था, 2001 में खरीदा था, और तब उसकी वैल्यू 10 लाख थी। अब मैं उसे 2015 में बेच रही हूँ, तो उस 2000 में क्या कर रही हूँ, इसे 15 में बेच रही हूँ, और 25, तो अब जो मैं 25 लाख में उसे क्या बेच रही हूँ, 25 लाख में मैं उसे जो मेरी असेट्स है उसे क्या कर रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ। अगर अब मैं उसे 25 लाख में सेल करूँगी और मेरी कॉस्ट तो बहुत कम होगी ना उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या मिलता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यानी मुझे इंडेक्सेशन से क्या होता है, मेरी इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसके बारे में गाइस हम आगे बढ़ेंगे, ये क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं
उसके बाद आता है बिजनेस इनकम। अगर अब देखो जो सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड की, मैंने आज मान लो जो मेरा ये 15 लाख का था, ठीक है, उस स्टॉक उस जो मैंने जिसे स्टॉक में कन्वर्ट किया था उसे मैंने कितने में बेचा, मैंने 25 लाख में क्या किया उसे सेल किया, और जो मेरी असेट्स थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 15 लाख थी, तो मुझे अब 10 लाख का क्या हो गया, बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको एक बार ये वापस समझा देती हूँ, एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ, आपको और भी अच्छे से क्या आएगा समझ आएगा। एक बार मैं इसको साफ कर लेती हूँ पूरे को। हाँ तो गाइस अब देखिए, अब देखो कैपिटल गेन हम कैसे निकालेंगे। जैसे फुल वैल्यू जो हमने असेट्स थी वो मैंने ये मान लो कि 2000, पहले मैं शॉर्ट टर्म का एग्जांपल दूंगी आपको, शॉर्ट टर्म का, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग टर्म का एग्जांपल दूंगी। तो शॉर्ट टर्म के एग्जांपल में देखिए, मैंने ये जो अपनी असेट्स है वो खरीदी थी, मैंने 10 लाख रुपये में क्या खरीदी खरीदी थी उसको मैंने। और अब ये कब मैंने खरीदी थी, 2017 के अंदर मैंने इसे खरीदा था, और 2019 में मैंने इसे कितने में बेच दिया, 20 लाख के अंदर क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो मुझे क्या हो गया, 10 लाख का मुझे क्या मिल गया, कैपिटल गेन हो गया। ये कौन सा मेरा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, ठीक है। अगर मेरे अब जो देखो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, यानी मैंने उसे लिया तो कितने में था, 10 में, और बेचा कितने में था, 20 में बेचा था, तो वो मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 10 लाख का आ गया। अब ये किसमें गाइस, ये बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। इंप्रूवमेंट क्या होता है कि देखो 10 लाख में मैंने इसे परचेज किया, 2 लाख मैंने इस पर कुछ, मतलब मान लो मैंने 10 लाख की जमीन परचेज की थी, 2 लाख रुपये मैंने उस पर कमरा बनाने में लगा दिए, तो टोटल कितने हो गए, 12 लाख हो गए ना। तो अभी 12 लाख उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और मुझे आज मैंने बेचा कितने में उसे, 20 लाख में, तो मैं लेस कितने कर दूंगी, 20 लाख कर दूंगी, यानी 8 लाख का मुझे क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब बात करती हूँ गाइज मैं किसकी, लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 2000 में, 2001 में क्या किया था, एक लैंड खरीदी थी जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, ठीक है, और आज मैंने उसे कितने में, 25 लाख में बेचा है। तो गाइज मुझे क्या होगा, ऐसे 24 लाख रुपए का क्या होगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन रियल में देखो, आज से 18 साल पहले 1 लाख रुपए की कितनी ज़्यादा वैल्यू थी, 1 लाख रुपए कम से कम 25 लाख के बराबर होते थे पहले के ज़माने में। तो आपको पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा पैसे की वैल्यू थी। आज हमारी क्या होगी, करेंसी की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो जो 1 लाख था वो आज के बराबर करेंगे तो उसे क्या होगा, हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका इंडेक्सेशन करते हैं। ऐसे मान लो इंडेक्सेशन करने के बाद ये 1 लाख हमारा 10 लाख में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यानी 1 लाख रुपये की वैल्यू थी वो क्या थी, तो ऐसे मान लो कि 10 लाख में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 272 करेंगे, और डिवाइड बाय हम उसकी जो वैल्यू है वो करते हैं ऐसा कुछ करके, हम क्या निकालते हैं, इंडेक्सेशन निकालते हैं। वो हम क्या निकालेंगे, आगे वाले चैप्टर में निकालेंगे। मान लो इंडेक्सेशन निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ गई है, इंडेक्सेशन निकालने के बाद हमारी वैल्यू आ गई है 15 लाख रुपए आ चुकी है। तो अब हमने इसे बेचा कितने में, 25 लाख में, तो 10 लाख का हमारे पास क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया ये हमारा। और अब देखो उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो हमने स्टॉक में कन्वर्ट किया था, तब हमारी हमने स्टॉक को किस कितने रुपये में सेल किया, हमने ऐसे मान लो कि 30 लाख रुपये में हमने हमारे सारे माल को क्या कर दिया, पूरे स्टॉक को सेल कर दिया। और उस दिन हमारी FMP क्या थी, जिस दिन हमने क्या किया था, डेट कन्वर्जन किया था, तो ये देखो उस दिन हमारी FMP कितनी थी, उस दिन हमारी FMP 20 लाख रुपए थी, यानी हमें कितने रुपए मिल रहे थे उसके बदले में, 20 लाख रुपए मिल रहे थे। तो हम कितने माइनस कर देंगे इसमें से, 20 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो 10 लाख हमारा क्या आ गया, ये हमारा PGPP में, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की क्या आ गई, इनकम आ चुकी है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल #smiley। ओके गाइस बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल। गाइस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस बाय बाय।